वफाक वजीर बाला तवानी पावर डिवीजन इंजीनियर खुर्रम दस्त खान ने नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की जानब से 132 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के 8 मनहदम टावर्स पर जारी बहाल के कामों का जायजा लिया। तूफान से 8 टावर्स मुतासर हुए। NTDC टीमें मुतहर है, बहाली का काम 3 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानब हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि IMF के बगैर भी पूरी कौम गुजारा कर सकती है। मसला ये है कि IMF पूरी दुनिया के मालियाती मामलों की वेरिफिकेशन का इदारा बन चुका है। इनकी तस्दीक के बाद ही दुनिया के दीगर ममालिक भी हमें सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध समुद्री तूफान हैपर जॉय की वजह से बिजली के निज़ाम भी अभी तक कोई काबिल ज़िक्र खलल नहीं हुआ है। बाइस मकाम पर कोई इशू हुए हैं। जंपीर में बिजली के 8 पोल गिरे हैं जिनकी बहाली का काम शुरू हो गया है, जबकि सवजावल में 2 पोल मुतासर हुए हैं। पोर्ट कासिम पर गैस की NLG का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई करने वाली मुख्तलिफ कंपनियों मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला से 2000 एहलकार सिंध पहुँच रहे हैं। इनमें से 1300 मुलाजमिन पहुँच गए हैं। पाकिस्तान के बाकी सूबों और शहरों का अमला भी सिंध के शाना बशाना खड़ा है। 160 गाड़ियाँ जिनमें लोडर, डंपर, क्रेन सिंध पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा कि समुद्री तूफान हैपर जॉय कौमी रद्द अमल सामने आया है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वो जो हौसला अफजाई का अलाउंस है वो तो पूरे मुल्क में हमें इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ईद से पहले पहले ये एक कोई मुस्बत फैसला हो जाए। लेकिन जो निशानदेही कमजोरी की नहीं है, निशानदेही वो है उन इलाकों की है जहां ये बीपर जॉय आकर असर डाल सकता है। तो हमारे जो है हमने 12 हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिस पर हमने आइडेंटिफाई किया है कि उन पर असर पड़ सकता है। इसी तरह 90 फीडर हैं, 90 ही हैं जी, 90 फीडर हैं जिन पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है उन इलाकों में जहां ये इसका असर आ सकता है। और हम जिस तरह मैंने कहा पूरी तरह तैयार हैं, हमारे पास तमाम लिस्टिंग्स मौजूद हैं जो एहलकार मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं उनकी, कौन अफसर उसके लिए इंचार्ज है। तो शहबाज शरीफ साहब की क्यादत में बड़ी जामे इस दफ़ा इस डिज़ास्टर से निमटने की मनसूबाबंदी की गई है। और ये जो फीडर्स और हमारे ग्रिड स्टेशन हैं, मैं आप से अब इजाज़त लेकर वहाँ जा रहा हूँ ताकि एक फीडर को क्या क्या जगह है जी, वो मीरपुर साकरो के साथ केटी बंदर के साथ मैं यहाँ से आपसे निकल के वहीं जा रहा हूँ ताकि हम ऑन द साइड जाकर देख सकें कि तैयारी क्या है।